चिल्ड्रन वेलफेयर हाई स्कूल वसोवा के प्रधानाचार्य अजय कौर सर का जन्मदिन सादगी पूर्वक व हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूल के परिसर में एक भव्य आयोजन प्रधानाचार्य अजय कौर सर के चाहने वाले लोगों ने रखा। इस शुभ अवसर पर मुंबई शहर व आसपास के शहरों से लोग बधाई देने आए। नेता हो या अभिनेता, गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों के लोगों ने अपना प्यार व आशीर्वाद प्रधानाचार्य अजय कौर सर को दिया। इस पूरे कार्यक्रम में प्रशांत काशिद सर का विशेष योगदान रहा। स्थान हम सबको हमेशा मार्गदर्शन करने वाले अजय कौर सर, हमारे यहाँ पर सीनियर इस विधानसभा क्षेत्र, जब एक हुआ करता था अम्बोली विधानसभा क्षेत्र, तभी वहां से 3 बार विधायक रह चुके हमारे सीनियर लीडर बलदेव खोसा साहब, यहाँ पर उपस्थित अजय कौर सर के सभी चाहने वाले लोग। सबसे पहले तो अजय कौर सर को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, और इसी प्रकार से आप अपने समाज को, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, रास्ता दिखाते रहे, समाज के हित में काम करते रहे। आप सालों साल से समाज के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोविड में जो काम किया वो सराहनीय है, एंड इट डिजर्व्स अ सैल्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ का एक ऐसा ही व्यक्तिमत्व है जहां पर एक बाजू में बलदेव जी और दूसरी बाजू में अमित साटम साथ में खड़े हो सकते हैं।
और सबको बांध के रखने वाले, जैसे किशन ने कहा था, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सिर्फ एक धागा हूं और सारे ज्वेल्स को या जेम्स को एक साथ बांधने वाला मैं एक धागा हूं, वैसे आप अजय कौल सर यहाँ के आप धागा हो कि यहाँ के सभी लोगों को आप बांध के एक साथ रखते हो, सबके बीच का सेतु भी आप बनते हो, समाज के हित में काम करते हो। और मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे, और इसी प्रकार से आप आने वाले समय में ऐसा काम करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे और सबको साथ में लेकर समाज के हित में, हमारे शहर के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में हम सभी लोग अच्छा काम करें, क्योंकि एक जब एक अच्छे समाज की निर्मिति होती है तो एक अच्छे राष्ट्र की निर्मिति होती है, और एक अच्छे समाज के निर्मिति के माध्यम से आप यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेट टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, आप एक अच्छे राष्ट्र की निर्मिति की तरफ अपना योगदान दे रहे हो। और भगवान से यही कामना करता हूं कि आने वाले बहुत सारे साल आप इसी प्रकार से ऐसे योगदान देते रहे, काम करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, और हर साल इसी प्रकार से आपका जन्मदिन हम यहाँ पर साथ में सेलिब्रेट करते रहे, ऐसी कामना भगवान से करता हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सातम साहब, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इतने अच्छे प्रोग्राम में आया हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो आपको और भी एनर्जी दे, स्टेमिना दे, विजडम दे टू सर्व द पीपल ऑफ दिस एरिया एज यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। काइंडली कंटिन्यू इट, वी नीड पीपल लाइक यू इन अवर समाज, इन अवर कंट्री। वीर साधन जी ने इतना अच्छा बोला, मैं तो वैसे भी आपका फैन हूँ, आपको याद ही हो, पता ही होगा, मैं जब भी अच्छा काम करते हैं मैसेज भेजता रहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम खुश किस्मत लोग होते हैं जब हम अच्छे लोगों के बीच में आते हैं। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अच्छा टाइम, अच्छी वक्त जो गुजरा वो आदरणीय लेट श्री श्री दत्त साहब के साथ गुजरा। मैं अमृतसर से, बॉम्बे से लेके अमृतसर तक पैदल उनके साथ चल के गया, और ऐसे अच्छे लोगों का नाम हमेशा ज़िंदगी में रहता है। और यही बात अजय जी मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, यू बिलीव मी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया और आपको भी देखा है। आप ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि आप उनसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम हमारे समाज में करें और अपनी सोसाइटी में एक बहुत खूबसूरत नाम पैदा करें। मैं आपके सारी फैमिली को, आपकी सारी टीम को, आपके स्कूल के सब स्टूडेंट्स को और सब टीचर्स को इस मुबारक इस दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे और नेक काम करते रहें, और लोगों में जो आप एक सेकुलर का एक बना हुआ है जो इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन को आप कामयाब रखना। क्योंकि मैंने अजय जी को हमेशा ये देखा है, दुनिया में सबसे अच्छे इंसान वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं बस सिर्फ एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग है उसमें जिंदगी की किसी की कोई चीज की कमी नहीं रहती। बहुत बहुत मुबारक, जय हिंद। आम्हाला चांस दिल्याबद्दल तुमचे पण मनापासून आभार। मी 1990 पासून सरांबरोबर आहे, आणि 92 ला तर मी समजा नगरसेवक होतो, आणि ते कंटिन्यू 25 वर्ष, 3 वर्ष तीन टर्म नगरसेवक आणि 2 टर्म आमदारकी केली, परंतु साहेबां अजय कौल साहेबांबरोबर निगडीत संबंध असताना पण मी कधी असं पॉलिटिकली मी त्यांना भेटलेलं नाही। एक मित्र म्हणून, एक परिवार म्हणून मी त्यांच्या बरोबर आहे आणि सदैव राहीन, आणि त्यांचं जे काम आहे ते आपण जनतेला बघितल्यानंतरच कळेल तुम्हाला की त्यांना कुणाची टेकूची गरज नाहीये, ते स्वतः स्वयंभू आहेत, आणि म्हणून मी त्यांचा मनापासून आभार करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माजी आमदार अशोक भाऊ, दुसरे आमचे जीवस्य 25 मित्र प्रशांत जी, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आज खूपच आनंदाचा, महत्त्वाचा तर दिवस आहे पण खूप आनंदाचा दिवस आहे। आयुष्यामध्ये बरीचशी मंडळी आपल्या आयुष्यामध्ये येऊन जातात, जीवनाच्या वाटचालीमध्ये अनेक प्रकारची माणसं
आपल्या सोबत असतात, परंतु अजय सरांचं व्यक्तिमत्व ज्यांना मिळालं ते खरोखरच भाग्यवान आहे। मी त्यांची स्तुती करत नाही, वस्तुस्थिती आहे। 2014 साली माझी प्रथम त्यांची भेट झाली आणि प्रथम दर्शनीच त्या माणसाकडे बघितल्यानंतर एक जवळचं नातं संबंध प्रस्थापित होतो आणि गेल्या 9 वर्षांमध्ये सातत्याने आम्ही संपर्कात आहोत। आज इथं जी मंडळी आली मला वाटतं कुणाला बोलावलं लागलेलं नसेल, स्वयंस्फूर्तपणे आलेले आहेत आणि 8 वाजल्यापासून ही गर्दी चालू आहे। आयुष्यामध्ये असं मिळवणं, बाकीचे पैसा सत्ता संपत्ती सगळे मिळतात, परंतु त्यांचं जे कार्य आहे शिक्षणाच्या माध्यमातून असेल सामाजिक माध्यमातून असेल असंख्य लोकांवर त्यांनी उपकार केलेले आणि मनापासून केलेले, कसलाही स्वार्थ न ठेवता केलेले। म्हणूनच सर्व समाजातल्या स्तरातली लोक आज इथे जाती धर्माचा विषय येत नाही, बरेचसे मुस्लिम बांधव आहेत, ख्रिश्चन बांधव आहेत, हिंदू बांधव आहेत। असं व्यक्तिमत्व समाजात असणं म्हणजे त्या समाजाचं एक प्रकारचं सादरीक सुदृढपणा आहे। परमेश्वर त्यांना दीर्घायुष्य देवो आणि येणाऱ्या त्यांच्या 100व्या वाढदिवसाला सुद्धा आपण सर्वांनी उपस्थित राहू ही सदिच्छा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द पुढे धन्यवाद। हार्दिक शुभेच्छा त्यांना, त्यांचं भावी आयुष्य सुखाचे समृद्धीचे भरभराटीचे आनंदाचे लावो, त्यांना ऐश्वर संपन्न आयुष्य लाभावं अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, पक्ष प्रमुख माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजच्या या सन्माननीय आमचे सर्वे सर्वा ज्यांना आम्ही म्हणतोय आमचे गुरुवर्य असे आमचे अजय कौल सरांच्या वाढदिवसाच्या त्यांना खूप 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 शुभेच्छा देते। आई भवानीच्या प्रार्थना करते की माननीय अजय सरांना 3 दुगणी रात 4 चौगुणी त्यांची तरक्की होऊ दे आणि त्यांच्यावर जेवढे जात आहेत ना त्या जळणाऱ्यांच्या भट्टवा हो। त्याचं कारण जळणारे 1-2 असतील पण त्यांच्यासाठी शुभेच्छा मागणारे हजारो आहेत, लाखो आहेत। या एकता म्हणजे आमचे सर्वे सर्वा सन्माननीय अजय कौल सर यांना खरोखर आई भवानी त्यांना दीर्घ आयुष्य तो देणार, उदंड आयुष्य देणार, निरोगी आयुष्य देणार आणि त्यांच्या जेवढ्या काही समस्या असतील त्यांना सगळ्या आपल्या आई भवानी आपल्या पायाखाली घेऊन अजय कौल सरांना नेहमीच मदत करत राहणार यासाठी मी पुन्हा एकदा प्रार्थना करते आणि सरांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। सर हे तर खरं बघताना इतर तुम्ही सगळ्यांना सांगा ही झाकी आहे, आज पिक्चर तो और बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। आणि खरोखर सगळ्यांचा आभार आहे, तुम्ही सगळे येताय, सरांसाठी जे प्रेम देताय तुमच्या बरोबर मी पण आहे असं वाटतंय की खूप आनंद वाटतोय, सरांसाठी म्हणजे एक आपुलकी वाटते, हेच खूप खूप चांगलं आहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये लोगों का प्यार है जो आप देख रहे हैं कि इतनी तादाद में लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग एरिया से। ये तो सिर्फ उनका प्यार है मेरे लिए जो उन्होंने सचमुच आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी तादाद में। सर ऐसा कम देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक धर्म के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं कहीं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 92 राइड्स के बाद हमने मुंबई शहर में अमन शांति रखने की कोशिश की, जहाँ पर हम लोग सभी समाज के वर्गों के साथ काम करते हैं और सिर्फ इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी के साथ नहीं बल्कि झोपड़पट्टी बस्तियों में भी जा जाके हम लोग काम करते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को कैसे इकट्ठा रखें। और अगर आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि यूनिटी और कम्युनल हारमोनी का कितना बड़ा मैसेज लोगों ने दिया। सर त्यौहार लगातार आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहिए? मेरी आने वाले सभी त्यौहारों में नवरात्रि और दिवाली के आने वाले अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।